दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दौलतपुर चौक। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऊना में गुरुवार सुबह उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पार्किंग के मसले को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापक अपनी गाड़ियां कैंपस में जगह जगह खड़ी कर देते हैं। यदि कोई छात्र अपने वाहन को पार्किंग से बाहर किसी जगह खड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि जब कैंपस में पार्किंग के लिए एक स्थान को चुना गया है तो सभी गाड़ियों को वहीं पर खड़ा करना चाहिए। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज में जगह जगह खड़ी प्राध्यापकों की गाड़ियों के पास यदि कोई छात्र खड़ा हो तो उनसे उनका पहचान पत्र छीन लिया जाता है। इतना ही नहीं, छात्रों को जुर्माना भी इम्पोज किया जाता है। मामला ये है सर, पिछले 1.5 साल के भीतर कॉलेज के प्रिंसिपल को मेमोरेंडम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से बार बार ये बोला जा रहा है कि जो गाड़ियां खड़ी करने की टीचर्स की व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि टीचर गाड़ियां अलग अलग ढंग से पार्क करते हैं कॉलेज में, तो उससे बच्चों जो बच्चे कॉलेज में टीचर की किसी गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं तो उनका आई कार्ड लेके उनके उनसे फाइन वसूली का काम जो टीचर करते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने इनको यही बोला बार बार मेमोरेंडम के माध्यम से भी, वैसे भी जाके बोला कि सर टीचर्स की गाड़ियां अलग पार्क की जाएं और छात्राओं की गाड़ियां अलग की जाए, अच्छे तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की जाए। पर पिछले साल ये व्यवस्था ठीक हो गई थी, सभी टीचर गाड़ियां नीचे खड़ी करने लगे थे, पर अभी दोबारा जब कल दोबारा कई महीनों के बाद कॉलेज ओपन होते हैं तो टीचर बड़े गंदे ढंग से जगह जगह पे गाड़ियां पार्क करते हैं। हम लोग फिर भी इन्हें कुछ नहीं कहते, विद्यार्थी परिषद इनको प्रिंसिपल सर को फिर यही बात बोलते कि सर गाड़ियां खड़ी करने का रवैया ठीक किया जाए, पर इनके कानों में जूं तक ना रेंगती। और अगले दिन आज सुबह फिर कॉलेज प्रशासन द्वारा वही गंदे तरीके की तानाशाही तरीका अपनाया जा रहा है, टीचरों के द्वारा जगह जगह गाड़ियां पार्क की जा रही हैं। विद्यार्थी परिषद इनसे मुख्य मांग ये करती है कि जल्द से जल्द, पिछले 1.5 साल से ये मुद्दा चल रहा है, पार्किंग की व्यवस्था जल्द से जल्द ठीक की जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बाबा नीम करोली एंटरप्राइजेज लखनपाल्स नियर लेकी हॉस्पिटल चले दौलतपुर चौक 7807507573। अब वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदे सस्ते दामों पर उत्पाद। नगर पंचायत दौलतपुर चौक एवं आसपास के गांव के लोगों को बिल्डिंग मटेरियल, घर की सजावट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की खरीद हेतु पंजाब के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दौलतपुर चौक में ही लेकी अस्पताल चलेट के नजदीक वानिया होम डेकोर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से नया शोरूम खुल गया है, जिसमें बाजार से सस्ते दामों पर लेटेस्ट खूबियों वाले टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, पंखे, कूलर, गैस स्टोव, एलईडी लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, ट्रिमर इत्यादि उपलब्ध हैं। देश विदेश की नामी कंपनियों पैनासोनिक, उषा, सनफ्लेम, ओरिएंट, सनसुई, ल्यूमिनस के प्रोडक्ट्स का विशेष ऑफर दिया जा रहा है। इसके अलावा बाबा नीम करौली एंटरप्राइजेस में होम डेकोरेशन हेतु वॉल सीलिंग, एलईडी पैनल, मॉड्यूलर किचन, टेक्सचर पेंटिंग, सीमेंट, सरिया, आयरन शीट्स एवं पाइप्स, पेंट, सीलिंग एवं बिल्डिंग मटेरियल पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हेतु ग्राहक 7807507573 पर संपर्क साध सकते हैं।